अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अज़ीज़ सुन्नत व तालबात और प्यारे बच्चों, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पर। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं सातवीं जमात का रियाज़ी मज़मून का सबक नंबर 8 अलजेब्री इबारतें और उन पर अमल, जिसका लेक्चर नंबर 3 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे दो रुकनियों की जमा, एडिशन ऑफ बायनोमियल, एडिशन ऑफ बायनोमियल। तो पहले बच्चों, यहाँ पर कुछ मिसालें दी हुई है, मिसाल को देखेंगे सबसे पहले, है मिसाल दी हुई है। तो पहले बच्चों, इस मिसाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉस में लिखा है उसको कॉस से हम खोलेंगे, कॉस से निकालेंगे। पहले बच्चों, इस तरह की मिसाल को, इस तरह के एग्जांपल को हम जो है दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड होता है और एक वर्टिकल मेथड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कॉस को जो है खोल कर लिखेंगे, कॉस को खोल कर लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो ये 2x हो जाएगा, 2x जमा 4y जमा 3x जमा 2y, ठीक है। अब कह रहा है जो हमको देखना है सेम होता है, कहाँ पे यहाँ पर 2x है या 3x है, तो इसको हम सेम कर लेंगे, 2x प्लस 3x प्लस वही 4y और 2y, 4y प्लस 2y, ठीक है। अब 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x, ठीक है, प्लस 4y प्लस 2y हो जाएगा 6y, ठीक है, 6y हो जाएंगे, ये हमारा जवाब हो, ठीक है, ये हमारा जवाब हो। इस तरह से पहले बच्चों हम इस मिसाल को हल कर सकते हैं। अब वर्टिकल मेथड देखें, पहले बच्चों यहाँ देखें, सबसे पहले लिखेंगे 2x प्लस 4y, तो इसके नीचे 3x प्लस 2y, ठीक है, इन दोनों की जमा करेंगे हम, ये वर्टिकल मेथड के जरिए से हम हल करके बता रहे हैं आपको। फिर 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x, ये प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, अब 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 6y, ठीक है, ये हमारा जवाब आएगा। तो चाहे वर्टिकल मेथड आप अप्लाई करो, इस्तेमाल करो, चाहे हॉरिजॉन्टल मेथड इस्तेमाल करो, जवाब हमारा सेम आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, वर्टिकल मेथड जो रहता है वो आसान रहता है, अगर वर्टिकल मेथड से हल करें तो बहुत जल्दी से आप मिसाल को हल कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, मस्की शेप नंबर दिया, मस्की शेप नंबर 33 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 9p जमा 16q और 13p जमा 2q, ठीक है। तो यहाँ पर देखना चाहे बच्चों, इसको हमको हल करते हैं, यहाँ पर जमा करके बताने से कि हमारा जवाब है दो रुकनियों की जमा, एक रुकनी ये है और एक रुकनी ये है, दो रुकनियों को दो रुकनियों की जमा, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं प्यारे बच्चों। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, इसको जो है सबसे पहले हम सेम जो मुतगैर है उसको हम लिखेंगे, ठीक है, सेम मुतगैर जो है, जैसे यहाँ पर 9p है या 13p है, तो 9p जमा 13p प्लस प्लस करना है हमको, इसके बीच में प्लस का निशान आएगा, ठीक है, प्लस आएगा। अब उसके बाद में देखेंगे हम कि हो जाएगा 16q जमा 2q, ठीक है, अभी 9p और 13p हो जाएगा 22q, ठीक है, 22p जमा 16 को 18q, ठीक है, 18q। अब इसको हम और आगे हल कर सकते हैं क्या, तो हल कर सकते हैं, अगर हम दो को कॉमन निकालते हैं, अगर दो को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ दो कॉस में 11p जमा 9q, ठीक है, 2 × 11 = 22 हो जाएगा, और 2 × 9 = 18 हो जाएगा, तो ये हमारा जवाब है, ये हमारा जवाब है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस किस्म की मिसाल को हम हल कर सकते हैं, दो रुकनियों की जमा को किस तरह से हल कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। हम जो है वर्टिकल मेथड से भी हल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी हल कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल मेथड से हल करेंगे तो भी वही जवाब आएगा, हॉरिजॉन्टल मेथड से हल करेंगे तो भी वही जवाब आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो वर्टिकल मेथड को यूज़ करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हम 2a जमा 6b प्लस 8c, ठीक है, मुतगैर अलग अलग है, ए बी सी मुतगैर अलग अलग है, जमा करेंगे 16a जमा 13c जमा 18b, ठीक है। अब इसकी हमको जमा करना है, इसकी क्या करना है हमको प्यारे बच्चों, जमा करना है। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जाएंगे ये 2a में 16a मिलाएंगे और 18a, ठीक है, जमा, तो हम इसको बदल के लिख सकते हैं, मुतगैर को एक जगह पर हम कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ 18 लिख सकते हैं, ठीक है, जमा 13 से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब
छः में 18 मिलाएंगे तो हो जाएगा 24, 24 भी जमा 13, 21, 21, ठीक है मेरे बच्चों, 21। और ये हमारा जवाब होगा, ये क्या होगा, ये हमारा जवाब होगा। कुछ नहीं करना हमको, अगर वर्टिकल मेथड्स यूज़ करें तो दोनों मसावात को एक के नीचे लिखना है ना? और उसको जो है जमा कर देना है, ठीक है मेरे बच्चों। अब तीसरी मिसाल देखेंगे, यहाँ पर भी वैसे 13x² - 12y² जमा 6x² - 8y², ठीक है प्यारे बच्चों। देखना है यहाँ पर, अब 13 में से 6 गया, सॉरी प्लस करना है हमको, यहाँ क्या करना है हमको, प्लस करना है तो 13 से 19x² - 19x² - अभी 12 में 8 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 8 मिलाएंगे 20y², ठीक, 20y² तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने जो है 2 रुपयों की जमा के अंदर मिसाल को हल की है और मस्की सेट के 3 सवाल हल किए। हालांकि मस्की सेट के अंदर 6 सवाल है तो 3 सवाल आपके यहाँ पर हल करके बताए गए हैं, इसी तरह से बाकी 3 सवाल को भी आपको हल करना है, वो आपके लिए घर काम रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 3 हमारे 2 रुपयों की जमा एडिशन ऑफ बायनोमियल हमारा यहीं पर खत्म होता है। आइंदा लेक्चर नंबर 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।